बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी यानी मेन शूटर शिवकुमार उर्फ शिवा गौतम को यूपीएसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शिवा को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई, लेकिन उसने जो यूपीएसटीएफ के सामने खुलासे किए वो बेहद ही सनसनीखेज हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवा गौतम ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। रिपोर्ट देखिए। शूटर बोला, बाबा सिद्दीकी मर्डर का राज खोला। शूटर शिवा गौतम का सनसनीखेज खुलासा। दस लाख की सुपारी, बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। लॉरेंस का ऑर्डर, अनमोल के कहने पर मर्डर। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो पूछताछ में शिवा गौतम ने बड़े खुलासे किए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपीएसटीएफ की टीम को एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। इस ऑपरेशन में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य शूटर को यूपी के बहराइच से दबोचा गया। उसके साथ उसके 4 साथी भी एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। यूपीएसटीएफ का दावा है कि शूटर शिवा अपने साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। इससे पहले कि वो अपने विदेश भागने की प्लानिंग में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। शूटर के बारे में सूचना मुंबई पुलिस के द्वारा दी गई थी, उनकी टीम भी आई थी, उनका पूरा सहयोग किया गया और उसमें शूटर और उनके साथ जो सहयोगी थे उनको उनकी गिरफ्तारी की गई हमारे एसटीएफ के द्वारा। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि अब जो तीनों शूटर, 2 शूटर पहले गिरफ्तार मुंबई से हो गए थे और एक ये बचा हुआ जो मुख्य शूटर था शिवा कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया और मुंबई की टीम को हम लोगों ने विधिवत जो तरीके होते हैं उसके हिसाब से हैंड ओवर कर दिया। जैसे हमें टिप ऑफ मिला था हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की और हमारे एसटीएफ ने और हमारी जिला पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई, वरना अभियुक्त दूसरे देश में भी जा सकते थे। किसी कॉलेज स्टूडेंट सा दिखने वाला शिवा गौतम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी शिवा गौतम ने कई बड़े पर्दाफाश किए हैं। जब एसटीएफ ने उससे पूछा कि आखिरकार गोली चलाने की तुमने प्रैक्टिस कहां से की, क्योंकि पहले का तुम्हारे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, तो शिवा गौतम ने कहा कि क्लोज रेंज से गोली चलाने के लिए कलेजा चाहिए, कलाकारी नहीं। शिवा गौतम ने बताया कि उसने 6 गोलियां बाबा सिद्दीकी पर चलाई थी, जिनमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगी भी थी। दावा है कि शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप एक ही गांव के रहने वाले हैं। धर्मराज कश्यप पुणे में स्क्रैप का काम करता था। शुभम लोनकर और उसकी दुकान आसपास थी। शुभम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। उसने स्नैपचैट के जरिए उसके भाई अनमोल बिश्नोई से बात कराई थी। उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के एवज में 10 लाख के साथ हर महीने पैसे देने का वादा किया था। बकौल शिवा गौतम, बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार, मोबाइल और सिम शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आपस में बात करने के लिए तीनों शूटर्स को नए सिम और मोबाइल भी दिए गए थे। उन तीनों ने कई दिनों तक मुंबई में बाबा की रेकी करने के बाद 12 अक्टूबर की रात उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटर शिवा पुणे भाग गया था और वहां से वो पुलिस से छिपते छिपाते झांसी लखनऊ होते हुए बहराइच पहुंचा और यहां से नेपाल भागने की तैयारी में था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शिवा ने काफ़ी खुलासे किए हैं। इसके अनुसार शुभम लोनकर नाम का एक व्यक्ति इससे संपर्क में था, जिसने इसे ये कार्य दिया था और इसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई से इसकी स्नैपचैट पर बात कराई थी। इसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और बाद में भी कुछ पैसे दिए जाते रहेंगे, ऐसा कहा गया। माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद एक्ट
एक्टर सलमान खान को मैसेज देना भी था। दरअसल सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे, इसलिए माना जा रहा है कि बाबा को मारकर सलमान को सीधा सीधा मैसेज दिया गया है। शिवा गौतम ने बताया कि वारदात के लिए उसे 25,000 रुपए मिले थे और असलहे शुभम लोन करने दिए थे। इस हत्याकांड के बाद उसे 10,00,000 रुपए देने का वादा किया गया था। शिवा के कई साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। कबूलनामे में कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवा ने बताया है कि उसने मर्डर के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और बावजूद इसके उसने क्लोज रेंज से शूट किया था। हैरानी की बात यह है कि उसे इस मर्डर का कोई पछतावा या फिर अफसोस भी नहीं है। जब एसटीएफ ने उससे पूछा तो उसने बताया कि लॉरेंस गैंग से जुड़ने की उसे खुशी भी है। बिना प्रैक्टिस क्लोज रेंज से शूट, बाबा सिद्दीकी पर शिवा ने चलाई थी 6 गोलियां। शिवा की 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। शूटर शिवा बोला, कलेजा चाहिए, कलाकारी नहीं। न अफसोस न डर, लॉरेंस गैंग से जोड़ने पर गर्व। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकृष्ण, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहरे का रहने वाला हूँ। अपना नाम पता बताता ये लॉरेंस गैंग का वही शूटर शिवा गौतम है जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बहराइच से गिरफ्तार शिवा को मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ लेकर तो चली गई, लेकिन उसने अब तक जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। खास बात यह है कि उसे इस अपराध का कोई पछतावा या डर नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग से जोड़ने से वो खुश दिखाई दे रहा है। शिवा गौतम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, वरन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने की उसने खुशी भी जताई। उसने कहा कि शुभम लोनकर ने स्नैपचैट के जरिए कई दफा उसकी लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से बात भी कराई थी। वारदात से पहले और वारदात के बाद भी वो अपने साथियों के साथ इंस्टाग्राम पर जानकारी शेयर कर रहा था। शिवा गौतम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य आरोपी है, जो मर्डर के बाद से लगातार फरार चल रहा था। पुणे से छिपते हुए वो बहराइच पहुंच चुका था, जहां से वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन रविवार शाम उसे UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम और उनके 4 साथियों को नेपाल जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया है। UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको नानपारा कोतवाली लाई है और यहां 4 घंटे की गहन पूछताछ के बाद सबको हिरासत में लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। सूत्रों की माने तो UPSTF को पूछताछ में शिवा गौतम ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। शूटर शिवा गौतम ने कबूल किया कि क्लोज रेंज से गोली चलाने के लिए कलेजा चाहिए, मर्डर के लिए फायरिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां उसने चलाई थी और उन 6 में से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी थी। अपने किए पर शिवा गौतम को कोई पछतावा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने पर उसने खुशी जताई। मर्डर के लिए एडवांस में 25,000 रुपए मिले थे और मर्डर के बाद 10,00,000 रुपए देने का वादा था। बहराइच से गिरफ्तार मुख्य शूटर शिवा गौतम समेत 5 आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच फ्लाइट से मुंबई लेकर पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने का मामला यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जहां लॉरेंस गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खौफ को भुनाने में जुटे हैं कई लोग। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, कुशीनगर में कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर धमकी देकर रकम मांगी जा रही है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार का कहना है कि उनके संज्ञान में भी ये मामले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में
धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई वास्ता कोई संबंध साबित नहीं हुआ है। यूपी में लॉरेंस गैंग के नाम से जो धमकियां मिल रही है वो सभी फर्जी निकली है। हालांकि डीजीपी का दावा है कि यूपी पुलिस पूरी तरह एक्टिव है, यूपी में इस तरह की कोई वारदात नहीं होने दी जाएगी। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर या वैसे ऐसे भी लोगों की चलती रहती हैं जिनका कोई गैंग से संबंध नहीं होता, और जहां तक प्रॉपर गैंग का संबंध है, लगातार हमारी जो विशेष एजेंसियां हैं सब पे हम नज़र बनाए हैं और सभी राज्यों से भी हमारी टीमें संपर्क में हैं और हम लोग पूरी तरह से सजग हैं इस तरह की कोई भी वारदात हमारे प्रदेश में न हो। फिलहाल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य आरोपी से मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद क्या था, इसका जल्द खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।